ठाकुर सौरव ब्लॉग। भाई एक बार जोर से जयकारा लगा दो, हर हर गंगे हर हर महादेव। तो भाई हम लोग आ चुके हैं महादेव की नगरी यानी कि हरिद्वार के अंदर, और हरिद्वार गंगा माता की भी नगरी है, महादेव की भी नगरी है, आप जो समझे। और यहाँ पर आज हम लोग गंगा आरती में भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं, साथ ही साथ स्नान करने वाले हैं और हरिद्वार को एक्सप्लोर भी करने वाले हैं। लेकिन अभी हम बहुत कुछ कर चुके हैं, तो यहाँ तक हम कैसे पहुंचे ये अभी देखो, और उसके बाद हम आपसे आगे मिलते हैं। पहुंच गए भाई हरिद्वार के पार्किंग के अंदर। 90 रुपए लगी हमारी गाड़ी की पार्किंग के, और ये है पूरी बड़ी सी कार पार्किंग। भाई कुछ ज्यादा ही खतरनाक बड़ी है, 90 रुपए लगे गाड़ी की पार्किंग के, 100 रुपए लगते हैं मेरे ख्याल से बस पार्किंग के। काफी बड़ी पार्किंग है, और अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अपने इस टूर की। फटाफट चलते हैं अंदर, और आज तो भैया गंगा मैया के अंदर जाकर डुबकी लगानी है। 7:30 बजे होती है भाई हरिद्वार के अंदर गंगा आरती, और अभी हम लोग 7:22 पे यहाँ पहुंच चुके हैं। फटाफट भाग के चलते हैं क्योंकि आरती लेंगे, कभी ली नहीं लाइफ में गंगा आरती, देखी भी नहीं, आज देखेंगे सामने से। फटाफट भागते हैं, मार्केट में पहुंच गए, बहुत सही रोशनी हो रही है अभी तो, और चारों तरफ भाई लोग तो बहुत सारे आए हुए हैं। आज भी आज कुछ स्पेशल है कि नहीं है पता तो नहीं है, हम लोगों के लिए स्पेशल है क्योंकि हम लोग पहुंच चुके हैं टाइम से। बहुत क्राउडेड है मार्केट, देख रहे हो चारों तरफ, बहुत सही लग रहा है माहौल, भीड़ है एकदम, जिसे कहते हैं रंगारंग वाला सीन रखा है, और सीढ़ियां दिख गई हैं। फटाफट भागते हैं ऊपर की तरफ। तो भाई इस पुल के ऊपर भी पहुंच गए, और पुल से काफी सही है व्यू, देखो गंगा नदी कितनी जबरदस्त फ्लो में बह रही है, और पानी बहुत क्लियर है, बहुत सही लग रहा है। ये भाई पूरा का पूरा जो ब्रिज है ना वही जाम हो गया, आगे रास्ता ही नहीं है, मतलब हमें आगे जाने की जगह नहीं मिल रही। आरती दिखेगी नहीं यहाँ से, तो कुछ नहीं दिखेगी भाई यहाँ से, बिल्कुल नहीं दिखने वाला। भीड़ में खड़े रहना पड़ेगा, कोशिश कर रहे हैं रास्ता बनाने की, रास्ते का कुछ पता नहीं है बनेगा कि नहीं बनेगा। ओ भाई धक्के लग रहे हैं चारों तरफ से, चलो भाई चलो। देखो भाई भीड़ में फंस गए, और ये नीचे सीढ़ी है नीचे, ओ भाई धीरे धक्का मत मारो यार, सीढ़ियां हैं सीढ़ियां हैं नीचे, देखो भाई भीड़ कितने बंदे लोग हैं भाई यहाँ। ओए होए होए होए, किसी के पैर पे मेरा पैर है या मेरे पैर पे किसी का पैर है पता ही नहीं चल रहा, तगड़ी भीड़ है भाई, इतना स्ट्रगल करना पड़ा नीचे आने के लिए, मतलब आगे इतनी भीड़ हुई है जितनी पीछे रास्ता रोक के खड़े हो गए सारे के सारे। पीछे फालतू में रास्ता रोक के खड़े हो गए बस पब्लिक, रास्ता बिल्कुल आगे की तरफ खाली खाली सा है, और सीढ़ियां पता नहीं लग रही कब पैरों से। बहुत क्राउड है यार, सीढ़ियां बड़ी डेंजरस है भाइयों, ऐसे क्राउड में से निकल के आयो तो मैं अवार्ड अवार्ड दूं नहीं दूं, कोई अवार्ड चाहिए तुम्हें भाई, भीड़ चक्कर है यार, क्या बम्पर, मतलब यहाँ ट्रैफिक जाम हो गया लोगों का, ये देखो भाई चारों तरफ, और उधर ना आरती चालू हो गई ऑलमोस्ट, लेकिन हमारी नजरें पहुंच नहीं पाएंगी वहां तक ना कैमरा, क्योंकि इतना क्राउड है चारों तरफ, देखो यार भीड़, मतलब भाई गिनती नहीं कर सकते तुम इतने लोग हैं, और यहाँ म्यूजिक और तेज होता जा रहा है, स्पीकर यहाँ लगे पड़े इतने सारे। थोड़ा आगे चलते हैं, ये देखो भाई जितनी पब्लिक दिखेगी सबके हाथ में सिर्फ फोन दिख रहा है, हमारी तरह है, मतलब हम तो ब्लॉग बना रहे हैं लेकिन बाकी लोग अपने लिए छोटी मोटी रील्स वगैरह बना रहे हो। आरती हो चुकी स्टार्ट, हम लोग ना इधर से उधर उधर से इधर हो रहे हैं, बस सोच रहे हैं किसी तरीके से आगे थोड़ी सी जगह मिल जाए आरती के लिए, बट आरती भाई साहब मतलब इतने ज्यादा लोग आए हुए हैं देखने, देखो पीछे की तरफ कुछ दिख रहा हो तो, मतलब बिल्कुल जगह नहीं है पास जाने की। अब देखो जरा सारी पब्लिक ना धीरे धीरे इस तरफ को निकल रही है, मतलब आरती हो चुकी है फिनिश अब, और आरती फिनिश होते ही सबके सब मतलब किनारा छोड़ के इस तरफ आ रहे हैं, अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। काफी लोग हैं जो स्पेशली सिर्फ आरती के लिए ही आते हैं, और अभी हम लोगों का तो टाइम यहाँ पे बाकी है क्योंकि हम स्नान करने वाले हैं। देखो यहाँ पे ना एक पंडित जी हैं, वो आरती लेके आए हैं, काफी कैसे लोग मतलब आरती लेने के लिए घेर रहे हैं उन्हें चारों तरफ से, ये देखो ये है मेन गंगा आरती, और यही घेर रहे हैं सब। फटाफट से मैं भी ले लेता हूँ आरती भाई, देखो किस तरीके से आरती ले लेके बार बार आ रहे हैं, गंगा माँ की आरती जो हुई है और सब ले रहे हैं, अभी मेरे पीछे से ही आए हैं, एकदम गरम गरम था मैं डर गया बिल्कुल ही, लेकिन पब्लिक देखो भाई किस तरीके से, और यहाँ बौछार हो रही है गंगा मैया के जल की, और वो जल के छींटे हम अपने ऊपर लेने के लिए खड़े हो गए इधर, बहुत सही है भाई। और ये धार कितनी जबरदस्त है गंगा मैया की भाई, यहाँ चेक करो क्या फ्लो है भाई, ये देखो, और घाट पे देख रहे हो लोग कितने हैं भाई, वो देख के हैरान हूं मैं तो। आरती अब पूरी हो चुकी है कंप्लीट, और अब सब लोग निकल रहे हैं धीरे धीरे, ओहो जल छिड़क रहे हैं लोग, ठंडा ठंडा जल मेरे पे आ रहा है, और काफी लोग देखो इधर भी आए हुए हैं, मतलब सब अपनी आरती को देखने पूजा पाठ में
अपना पार्टिसिपेशन देने और ये जल छिड़क रहे हैं भाई, ज्यादा तेज हो गया ये लेकिन ये बढ़िया था भाई। भाई 7:30 बजे से ना 7:40 तक आरती हुई थी और आरती के बाद दिखाएगी क्या हाल हुआ, सब लोग इधर उधर हो रहे हैं और जल आ रहा है और पानी इतना ठंडा जल है गंगा मियाँ का, मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत सुपर चिल्ड है। जैसी भीषण गर्मी हो रही है ना भाई, उसके हिसाब से ये जल है ना, इसमें स्नान करके, मैं कह रहा हूँ बिंब अच्छी है स्नान करने के लिए, और अभी हम तीनों भी जाने वाले स्नान करने। भाई मेरे रेडी है? रेडी है। देखो भाई आरती के बाद अब काफी लोग ना स्नान करने के लिए नीचे उतर चुके हैं गंगा मैया के अंदर, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इसके अंदर डुबकी भी लगा रहे हैं, पूरा अंदर तक जा रहे हैं। और ये देखो चले गए अंदर काफी लोग, कुछ लोग तो इसके अंदर तैर रहे हैं भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा इतनी तेज धार में कैसे तैर रहे हैं, स्विमिंग आती होगी। हम गए तो हम तो टिकट जाएगा हमारा, पूरा ऊपर तक चले जाएंगे, है ना। बाकी यार लोगों की हिम्मत है, वो देखो वो बंदा किस तरीके से जा रहा है पानी में, बीच धार में तैरता हुआ। और कुछ लोग इस तरीके से देखो दीपदान भी करते हैं, ये भाई साहब अभी दीपदान करने वाले हैं आराम से गंगा मैया में। फूल मालाएं विसर्जन काफी लोगों ने कर दिया, बस ये गंदी आदत है, ये जो बॉटल डाली है ना किसी ने, ये महापापी इंसान होगा जो भी होगा, लेकिन यही चीज अच्छी नहीं लगती, ये गंदा कर देते हैं लोग। थोड़ा सा यहाँ पे क्राउड कम हो जाए फिर उसके बाद हम लोग भी स्नान करने वाले हैं, क्योंकि देखो ये जगह जो है ना स्नान करने के लिए हमें सही लग रही है। भाई उस तरफ से इधर आ गए और अभी हम थोड़ा सा ना एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि सबसे सही जगह हमारे लिए कौन है, क्योंकि काफी रश है और ऐसे में नहाना पॉसिबल नहीं है, सामान भी हमारे पास, तो अभी सामान को भी देखेंगे, दो बंदे जाएंगे नहाने एक सामान देखेगा, ऐसे करेंगे हम लोग। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कोई अच्छी जगह मिलती है तो वहाँ पर टिकते हैं और अपना अड्डा बनाते हैं। गंगा जल अगर ले जाना चाहते हो तो बॉटल्स मिल जाएंगी इधर, दीप दान करने के लिए मिल जाएगा 30-50 में, भैया बता रहे थे। बाकी बॉटल्स अलग अलग साइज में भी अवेलेबल है, कोई भी पिक करके गंगा जल लेके जा सकते हो। भाई तुम लोगों ने गंगा जल लेना है, वैसे तो अभी थोड़े दिन पहले ही पापा आए थे गंगा जल ले गए थे। अच्छा ये सुविधा भी बहुत अच्छी कर दी, जगह जगह ऐसे बना दिए। ये बेसिकली क्या है, ये फीमेल्स के लिए चेंजिंग रूम है, तो ये बना दिया गया है जिसकी वजह से फीमेल्स को कपड़े बदलने में दिक्कत ना हो। ये बहुत सही है और ये बिल्कुल फ्री है, आप जाओ अपने कपड़े बदलो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और फाइनली हमने ना ये जगह चूज किया, ये देखो घंटा घर है, घंटा घर के पास वाली जगह चूज की है जहाँ पर ये मंदिर भी बना हुआ है, और यहीं पे हम नहाने वाले हैं, क्योंकि ये जगह जो है ना काफी हमें शांत सी लग रही है थोड़ी, और इस जगह पे हम लोग स्नान करेंगे, डुबकी लगाएंगे और काफी सही रहने वाला है, काफी अच्छा मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस होने वाला है गंगा मैया के अंदर जाके एकदम फ्रेश होके अपने सारे पाप से मुक्ति पाने के लिए। ये बहुत बड़ा पापी है और ये वाला कम है, मैं थोड़ा ठीक ठाक हूँ मीडियम साइज का। कर दिया भाई हमने काम चालू, यहाँ पर पन्नी उधर पड़ी हुई थी लेके आ गए बिछाने के लिए, ये सही जुगाड़ हो गया अपना, और यहाँ रख दिया हमने शूज और बैग बिल्कुल घाट के किनारे पे, और भाई को बिठाया है, ये बनाएगा हमारी वीडियो जब हम स्नान करेंगे, और ये हमारे बॉडी बिल्डर भाई साहब हो गए हैं तैयार कपड़े वपड़े उतार के, चलते हैं हम लोग भी फटाफट स्नान करते हैं। ये सही सिक्योरिटी हमने लगाई है Z+ वाली। भाइयों अभी भेदभाव देख रहे हो, जिसकी कोई बॉडी वॉडी नहीं है ज्यादा वो कपड़े उतार के घूम रहे हैं, बॉडी वाले भाई सब कपड़े वपड़े पहन के ना आएंगे, अलग ही चल रहे हैं। और ये भाई आज हमारा Z+ सिक्योरिटी है, फटाफट चलते हैं अंदर, थोड़ा सा डर लग रहा है भाई क्योंकि बहुत चिल्ड है यार जल। देखो ये जो चेन है ना यही है जीवन की डोर, और गंगा मैया एक जिनके अंदर अभी भाई मैं खड़ा हूँ, अब बच्चे की तरह या तो ये गोदी में टहलाए या पीठ पाट के अंदर बिठाए, इनकी मर्जी है, बाकी डुबकी तो लगा लेता हूँ। स्नान हो गया भाई, हर हर गंगे, काफी ज्यादा सही है भाई पानी और पूरे रिफ्रेश हो गए, बहुत मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है सच में सारे पाप धुल गए। चलो भाई एक बार बोलो जोर से हर हर गंगे। अब भाई Z+ सिक्योरिटी जो इन सामानों का ना मेरे पास आ गया, वो भाई चला गया नहाने, अब वो करेगा स्नान। अभी जब हम तीनों ने प्लान किया था ना तब यहाँ पर कम लोग थे, और अब यहाँ पर भी क्राउड देख रहे हो तुम लोग, भाई यहाँ पर भी अल्टीमेट क्राउड हो गया है। और ये ना मतलब गर्मी में ना सबसे बड़ी राहत है कि गर्मी से राहत मिलेगी, दूसरी भाई गंगा स्नान कर रहे हो सबसे बड़ा पुण्य है, मतलब और क्या ही चाहिए यार इस गर्मी के अंदर। धार देखो गंगा मैया की, मतलब धार इस टाइम जो है ना भाई अपनी पीक पे, और ये देखो यहाँ निकले, अभी देखो घाट के ऊपर सब बैठे हुए हैं, अभी सबके ना पैरों को टच भी नहीं कर रहा था पानी, अभी पानी का लेवल बढ़ गया है, पैर डूब रहे हैं सबके। और यहाँ देखो यहाँ पे धार भी आप लोगों को दिख रही होगी, थोड़ी देर पहले नॉर्मल थी अभी तेज हो गई, इनको तैरना आता है तो देखो आराम से हैं, चैन तो इन्होंने भी पकड़ी हुई है, हाँ पकड़ी हुई है, बाकी धार अभी बहुत ज्यादा तेज हो गई, थोड़ी देर में पानी ऊपर तक आ गया, अभी सिर्फ 2 स्टेयर्स बाहर है, पहले 3 से 4 स्टेयर्स बाहर थे, थोड़ी देर मतलब 5 से 10 मिनट में पानी का बहाव तेज और भैया लेवल बहुत ऊपर आया है, मजा पूरा आ रहा है, ठंडा बहुत ठंडा है, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। और भीड़ देखो मतलब चारों तरफ आपको ना सिर्फ लोग ही लोग दिखेंगे, और क्या शानदार नजारा है, ये तो एक साइड का दिखा रहा हूँ, उस साइड और ज्यादा तेज लहर है और काफी ज्यादा लोग हैं, ये घंटा घर के पास है,
उस तरफ वो धनुष वाला ब्रिज है और उधर भी जाएंगे, अभी देखेंगे क्या है। देखो स्नान तो काफी देर पहले ही हो गया था लेकिन मन ही नहीं मान रहा है, फिर से एक डुबकी लगा लेते हैं। जैक गो भैया। इधर हम लोग स्नान करके निकले हैं और ऊपर से भी भैया बारिश चालू, मतलब डबल स्नान। फटाफट कपड़े पहन के यहाँ से भाग लेते हैं। अब भाई स्नान हो चुका है तो अब तिलक से कैसे पीछे हटे, अपने हिंदुओं की पहचान ही तिलक है ये देखो। और ये बन गया संदीप भाई के माथे पे तिलक, वो भी त्रिशूल में, त्रिशूल के रूप में। और ये भैया महादेव का टीका, क्या बात है। लग गया भैया, अब बन गया प्योर वाले। तो भाइयों तीनों के लग चुका है तिलक, बहुत सही तिलक लगा है एक तो, मतलब खतरनाक सा लुक आ रहा है भाई से देख के, महाकाल टाइप्स। अब चलते हैं फटाफट हरिद्वार के अंदर, बहुत भूख लगी है और हम लोग थोड़ा होटल पे एक्सप्लोर करेंगे, अपने लिए लेना है तो आप लोगों को भी हेल्प मिलेगी उससे। तो नेक्स्ट वीडियो किस पे आने वाली है, हरिद्वार में बजट होटल के ऊपर, वो वीडियो भी जरूर देखना। फटाफट से चलते हैं। ऊपर ब्रिज पे आ गए और देखो नीचे बहाव गंगा मैया का, क्या बहाव है भाई, बहुत जबरदस्त है। मतलब फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और पानी का लेवल भी बहुत ऊपर आ गया। मार्केट के बीचों बीच तो आ गया लेकिन जिस तरीके का क्राउड है ना आज, क्राउड को देख के लग रहा है कि भैया हर चीज का रेट ना चार गुना ऊपर होने वाला है। और बारिश भी हल्की हल्की हो रही है। अभी हम लोग गए थे इसके अंदर श्री राम लॉज के अंदर, भाई ऐसा खचाखच भरा हुआ है ना क्या ही बताऊं। और ये मार्केट की हालत देख के तो तुम्हें लग ही रहा होगा कि क्या हाल होने वाला है। इसके अंदर गए हैं, यहाँ पर भी वही हाल है, खचाखच फुल भरा हुआ है और थोड़ा बहुत मिल भी रहे हैं तो भाई प्राइस जो है ना यहाँ से यहाँ पहुँच चुके हैं। अभी होटल्स तो हमें मिल नहीं रहे और मिल भी रहे तो एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे अभी श्री जाट धर्मशाला दिख रही है, यहाँ चल के देखते हैं क्या पता यहाँ मिल जाए। और एक इस तरफ भी है भाई, ये क्या है, प्रभ दयाल धर्मशाला है। इधर भी चलेंगे और इधर भी चलेंगे, जहाँ हमें ठीक ठाक लग गया वहाँ बढ़ जाएंगे। रूम के प्राइस कैसे लग रहे हैं भाई साहब आज के दिन में, मेरे को पता क्या लग रहा है कि जितने ये लोग दिख रहे हैं ना ये सब रूम ही लेने जा रहे हैं, इसकी वजह से रूम ही नहीं मिल रहा किसी को। अब देखो इधर आए थे भैया के पास, भैया भी कह रहे हैं खाली नहीं है बिल्कुल भी। भैया क्या मतलब सीजन ज्यादा पीक पे क्या है कैसे, कहीं भी सब यही कह रहे हैं कहीं नहीं मिलेगा इस टाइम, क्या लगता है आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। इधर भी नहीं है भाई रूम, इधर भी खाली, इधर भी पूरा फुल पैक हुआ पड़ा है। एक भैया ने तो कहा कि भैया 1.5 किलोमीटर दूर चले जाओ इस एरिया से किसी भी डायरेक्शन में तो चांस है कि मिल जाएगा। बाकी इसकी शक्ल देखो, इसको लग रहा है कि आज हम रोड पे ही अपना टाइम बिताने वाले हैं। अब देखो ये भाई साहब भी हैं जो रूम ढूंढ रहे हैं। भैया कहीं नहीं मिल रहा आपको भी, कहीं नहीं, सब जगह फुल बता दे रहे हैं भाई। कई बार तो ऐसा हो रहा है, ये भाई गया था, जैसे ये गेट है ना, इस गेट के अंदर एंटर हो रहा था, वहाँ एक बंदा खड़ा था, कह रहा अंदर मत आओ रूम नहीं है। अब यहाँ देखो, यहाँ एक जादू दिखाता हूँ तुम्हें, अब ये जादू देख लो क्या है, ये जादू यहाँ पर ये है, ये देखो इन्होंने कहा मैं बार बार नहीं बोलूंगा, लिख दिया पढ़ लो। अब एक ये जगह है, यहाँ चल के देखते हैं, यहाँ लिखा है साई गंगा भोज। अरे यार यहाँ भी वही है, ये देखो भाई अभी ये वाला होटल मिला है। इस होटल के अंदर रूम तो मिल रहा है हमें बट नॉन एसी मिल रहा है, 1500 का अंदर की तरफ है बट नॉन एसी, वो भी तीन लोगों को डबल बेड पे, थोड़ी दिक्कत हो जाएगी हमें। पूरा अंदर तक ढूंढा है भाई, रूम की बात नहीं बनी, जहाँ भी हमें रूम मिला रूम बहुत डर्टी था और प्राइस 3500-4000 लाइक, मतलब रूम बिल्कुल मेंटेन नहीं थे, बिल्कुल मन नहीं किया वहाँ रहने का। तो अभी लस्सी पीते हुए बिल्कुल देखो चौक पे आ गए वापस से हरिद्वार के मेन चौक के ऊपर। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे आगे की तरफ ऋषिकेश की साइड और उधर ही निकल जाएंगे, उधर ही देखते हैं कुछ ऑप्शंस। अब वापस से पहुंच गए भाई इस घाट के पास में, हम लोग अभी नीचे की तरफ से जाएंगे और अपनी गाड़ी की तरफ जाने वाले हैं क्योंकि अब पूरा का पूरा हमने मन बना लिया है, रुकना तो बिल्कुल नहीं है। अब काफी सारे लोग तो भाई यहीं पे अपना बिस्तरा लगा के सो गए हैं क्योंकि रूम तो मिल नहीं रहे। कई लोगों को नहीं मिलेंगे क्योंकि कई लोग ना देखो नॉमिनल बजट में भी आते हैं, हम लोगों के पास बजट तो हम कर सकते हैं करने को लेकिन कर नहीं रहे क्योंकि उस हिसाब के रूम नहीं मिल रहे। तो ऑप्शन ये भी है एक, खुला मैदान। भाई रात के ना 12:38 हो गए और अब हम फाइनली ऋषिकेश पहुंच चुके हैं, मतलब हरिद्वार से ऋषिकेश के बीच में रूम लेने की सोची थी। तुम्हें प्राइस बताऊं, इतना भयंकर प्राइस था क्या ही बताऊं, 5500 कोई 6000 और रूम्स भाई टट्टी रूम्स, मतलब सॉरी ऐसा वर्ड यूज कर रहा हूँ, टट्टी रूम्स ही थे लेकिन वो। और अब जाके कुछ मिला है, अब दिखाते हैं आपको। आगे भाइयों लिफ्ट के अंदर और अब हमें फाइनली रात को 1 बजे के करीब रूम मिलने वाला है, दर्शन कर लो लिफ्ट के। अब बस मतलब वो बिस्तर दिखा दो जिसमें मुझे पसरना है। ये देख चाबी उल्टी डाल रहा है ये, ए भाई चाबी तो लगा दे यार। रूम देखो यार, रूम मतलब ठीक ठाक लगा मुझे। और ये मिला है हमें अभी, हाँ देखो ओहो जगमगा, अबे भाई कितनी लाइट्स हैं, ये देखो भाई ये मिला है हमें रूम। और अभी तीन लोग हम स्टे करने वाले हैं, इस तरफ देख लो, छोटा सा क्विक टूर देता हूँ रूम का। इधर टीवी है, इधर वार्डरोब है, इधर डस्टबिन भी है, इधर ये बेड पड़ा है, इधर एसी लगा हुआ है, इधर फैन लगा हुआ है, लाइट्स बहुत अमेजिंग है इस रूम के अंदर। और हटियो भाई साहब, ओ भाई साहब हट जाओ यार बॉडी बिल्डर, ओ ये क्या कबाड़ा पड़ा हुआ है, जाइए इधर, इधर भी सही है यार मामला। बाकी वॉशरूम दिखा देता हूँ तुम्हें फटाफट से, बत्ती जलाओ भाई, वाओ ये है मामला, मतलब वॉशरूम क्लीन मिल जाता है, सब सेट हो जाता है मामला।
कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा भाई, बस बिल्डिंगें दिख रही हैं। तो यही है भाई रूम, और ये 3500 का हमें पड़ा है। तो भाइयों अब ना आज की इस वीडियो को यहीं पे मैं करने जा रहा हूँ एंड, क्योंकि अब हो गया बहुत ज्यादा लेट, 1 बज रहे हैं, और ये पड़ा बैग और ये पड़ा मैप। तो चलो भाई मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, सो जाओ।